शाह ने गुलदस्ता दिया, नड्डा ने स्वागत किया और इसी के साथ जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल NDA में औपचारिक तौर पर शामिल हो गई। हालांकि RLD के NDA में शामिल होना पहले से ही तय हो चुका था। तय फॉर्मूले के मुताबिक RLD को लोकसभा चुनाव में बागपत और बिजनौर दो सीटें मिलेंगी। योगी सरकार में एक मंत्री पद RLD को मिलेगा। NDA में औपचारिक तौर पर शामिल होने के बाद जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अब की बार 400 पार के नारे को दोहराया। 2019 लोकसभा चुनाव में RLD ने समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तब RLD 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी को एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई थी। RLD को 2% वोट मिले थे।